हेलो एवरीवन, मैं हूं गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। दोस्तों, आज आपके लिए आई है मूली के पत्तों से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी। ये पत्ते आमतौर पर बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पर मैं आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी इसकी जो सूखी सब्जी होती है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसे मैंने सिंपली बनाया है, बहुत ही अलग डिफरेंट तरीके से बनाया है। दोस्तों, रेसिपी वैसे बहुत आसान है, सिंपल तरीके से बनी हुई है। आई होप आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं अपने मूली के पत्तों से ये सब्जी बनाना। तो मूली के पत्तों से इस सब्जी को बनाने के लिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मूली के पत्ते चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पर मूली के हरे पत्ते लिए हैं, जो कि लगभग 1 किलो मूली के पत्ते हैं। मूली को निकाल कर मैंने अलग कर दिया है, मूली के पत्ते हमें नहीं लेने हैं, मतलब सॉरी मूली नहीं लेनी है। मूली के पत्तों को हम अच्छे से काट लेंगे, वॉश कर लेंगे और अलग रख लेंगे पानी से छान कर। इसके बाद से मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल। ऑयल जो है मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। और इसके बाद से दोस्तों, मैंने 1 कप भर के गोल छोटे वाले बेबी आलू थे उनको छील कर और उनको 2 टुकड़ों में चॉप कर लिया, वो ले लिया है। आलू अगर आप बड़े साइज के ले रहे हैं तो आलू के टुकड़े थोड़े से बड़े ही रखिएगा। आलू को तेल में डालने के बाद एक बार चला लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 2-2 मिनट के ड्यूरेशन पर दोस्तों, आलू को हमें इस तरह से स्टर कर देना है। आलू को हम यहाँ पर करेंगे बढ़िया सा फ्राई, यानी कि एकदम गोल्डन सा बढ़िया सा फ्राई करेंगे, जिससे पत्तों के साथ जाने पर एकदम खिले खिले रहें। तो आलू को फ्राई होने में कुल 6 से 7 मिनट लगेंगे। देखिए, आलू की अभी एक एक लेयर काफी अच्छी सी गोल्डन हो गई है। आलू जब अच्छे से गोल्डन हो जाए तब हम क्या करेंगे, आलू को करेंगे साइड, क्योंकि इसमें तेल हमने अच्छे से डाला था। और इसी तेल में हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के जीरे का तड़का। आलू को आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से आप अपनी सब्जी में तड़का लगा सकते हैं। यहीं पर साथ में डालेंगे 8 से 10 मेथी के दाने। मेथी के दाने जरूर डालिएगा, और मूली के पत्तों की सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, नॉर्मल स्लाइसेस में चॉप करी हुई प्याज को हम यहीं पर इसी तेल में घुमा फिर डालेंगे। अभी हमें इसे आलू के साथ मिक्स नहीं करना है दोस्तों। और अब जब प्याज भून रही है, प्याज के साथ ही साथ एक चीज और है, जो कि है लहसुन, यानी कि लहसुन जो कि 4 से 5 लहसुन की कलियों को आप बारीक चॉप कर लीजिए, यानी कि जो 1 टीस्पून हो जाएगा वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। प्याज के साथ लहसुन को छोड़ देंगे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने के लिए, साथ के साथ हमारे आलू भी और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जब अभी देखिए प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं, तब आप चाहें तो आलू के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आलू के साथ प्याज को मिक्स कर दिया है, तो ये हो गया हमारा आलू और तड़का तैयार। आलू को बिना फ्राई किए दोस्तों ये सब्जी मत बनाइएगा, नहीं तो मूली के पत्ते में आलू जो है चिपक से जाएंगे। अभी हमारा ये पूरा आलू बढ़िया सा फ्राई जब तैयार हो जाए, तब इसके बाद से डालेंगे अपने मूली के कटे हुए पत्ते। तो ये पूरे 1 किलो भर के मूली के पत्ते हैं, आप चाहें तो कमियां ज्यादा कर सकते हैं। मूली के पत्तों को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको बारीक चॉप किया था और पानी से छान कर रखा था, तो देखिए काफी सारे पत्ते हैं। इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आलू में पहले नमक नहीं डालें, नहीं तो आलू फ्राई नहीं होगा। पत्तों के डालने के बाद ही नमक डालें, तो मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। और अब हम क्या करेंगे, नमक और मूली के पत्तों को चला लेंगे आलू के साथ। आलू के साथ चलाते चलाते ही मूली के पत्ते कुछ कुछ सॉफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि जो भी ग्रीन पत्ते होते हैं उनको जब हम गरम तेल में इस तरह से डालते हैं तो पत्ते जो है अपना पानी छोड़ने लगते हैं और वहीं पर कढ़ाई में ही वो सॉफ्ट होने लगते हैं। तो इनकी आधी क्वांटिटी तो ऐसे दोस्तों चलाते ही चलाते कम हो जाती है। देखिए मूली के पत्ते सॉफ्ट पड़ने लगे हैं, इनको अच्छे से मिला लीजिए, जिससे कि आलू नीचे रहेंगे तो आलू के और ज्यादा जलने का डर होगा, तो इनको अच्छे से मिलाना जरूरी है। इनको अच्छे से मिलाने के बाद टाइम आ जाता है इनको ढक्कन लगाकर रखने का। तो यहाँ पर जब इनको अच्छे से मिक्स कर लें तब लगा दें ढक्कन, सिम फ्लेम पर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। लेकिन उससे पहले 2 सूखी लाल मिर्चें डालनी जरूरी हैं, इनसे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। 2 सूखी लाल मिर्चें डालकर इनको चलाने की जरूरत नहीं है, इनको 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। 5 मिनट के बाद जब हम इनको चलाएंगे तो देखिए पत्ते काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, पत्तों से पानी जो है बहुत सारा स्क्वीज हो जाता है और उसी में जो है हमारे आलू जो है बाकी जो है कुक हो जाते हैं। 50% तो वो फ्राई करने पर गल जाते हैं, 50% वो पत्तों के साथ कुक हो जाते हैं। और अब इसके बाद से इस सब्जी में हम डालेंगे 1 लाल पका हुआ टमाटर। टमाटर का पल्प निकाल दिया है, इसे रफली पीसेस में चॉप कर लिया है। टमाटर को डालकर अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर को कुक होने के लिए वापस से हम ढक्कन लगाकर छोड़ेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और इसको हम ढककर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया ढक्कन, 2 मिनट के बाद इसको वापस चेक करते हैं। 2 मिनट के बाद आप देख रहे हैं सब्जी और भी थोड़ी सी इसका पानी अच्छे से सूख चुका है। सब्जी का पानी जब अच्छे से सूखने लगे तब समझिए कि हमारे आलू भी कुक हो गए हैं, क्योंकि मूली के पत्तों का जो पानी होता है उसमें 50% आलू कुक हो जाते हैं, 50% हमने पहले ही इसको फ्राई करते समय कुक कर लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ पिसे मसाले। सबसे पहले गया है इसमें हल्दी का पाउडर जो कि 1/2 टीस्पून है, साथ ही गया है धनिया का पाउडर 1/2 टीस्पून।
इसके अलावा दोस्तों मैं इस सब्जी में डालूंगी चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर का या फिर हरी मिर्चों का भी यूज कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स से ये सब्जी जो है ड्राई होने के बाद काफी ज्यादा अच्छी दिखती है, मतलब सुंदर दिखती है। तो इसकी गार्निशिंग के हिसाब से आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स मैंने 1 टीस्पून लिया है और इसको अच्छे से यहाँ पर मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सब्जी को अच्छे से मिक्स करते हैं और अब टाइम है जब सब्जी को हम फ्राई करेंगे। जी हाँ, इस सब्जी में फ्राई का बहुत ज्यादा रोल है। जितना ही बढ़िया हम इस सब्जी को खुले में फ्राई करते हैं कढ़ाई में फैलाकर, उतनी ही बढ़िया हमारी सब्जी बनती है। और इसके बाद से ये सारी चीजों को डालने के बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के अनारदाने का पाउडर। अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर नहीं है तो आप अमचूर के पाउडर या फिर लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ खटास वाली चीज आप इस सब्जी में जरूर यूज करें, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पर सारी चीजों को मिला दीजिए। सब्जी को एक बार छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही खुले फ्लेम पर। इसको ढकना नहीं है अब, और खुले फ्लेम पर यानी कि बिना ढके जब सब्जी को पकाया है 2 मिनट के बाद, तो मूली के पत्तों का जो पानी होता है दोस्तों वो काफी बढ़िया से ड्राई हो जाता है। लेकिन अभी भी टाइम है जब हल्के हल्के आपको दिख रहे हैं टमाटर हमारे थोड़े से खड़े पीसेस में है, तो जैसे जैसे हम इनको फ्राई करते जाएंगे वैसे वैसे सब्जी हमारी और खिलती जाएगी। तो इसके लिए हम 2 मिनट का टाइम और लेंगे, 2 मिनट और फ्राई करेंगे। सब्जी को कढ़ाई में अच्छे से फैला कर तभी छोड़ें। जितना भी बढ़िया हम इसको फैला कर छोड़ेंगे मीडियम फ्लेम पर, उतनी बढ़िया सब्जी हमारी चारों ओर से फ्राई होगी। क्योंकि सब्जी को जब फ्राई करते हैं तो बहुत ही बढ़िया सोंधा सा स्वाद आता है। अगर इसे गीले गीले में आपने गैस में बंद कर दिया तो फिर सब्जी उतनी टेस्टी नहीं लगेगी जितनी आपको लगनी चाहिए। तो इस सब्जी को फ्राई करने के लिए आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लेना पड़ेगा मीडियम फ्लेम पर। सब्जी हमारी 4 मिनट फ्राई होने के बाद देखिए कुछ ऐसी दिख रही है, कुछ इस तरीके से बढ़िया सी सब्जी दिख रही है। एकदम खिले खिले से आलू हैं, टमाटर हैं, साथ ही मूली के पत्ते हैं। सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, एकदम खिले खिले मूली के पत्ते दिख रहे हैं। और इस तरह से मूली के पत्तों की जब खिली खिली सब्जी बनती है दोस्तों, तो देखने वालों को भी खाने की इच्छा हो जाती है। और ये सब्जी रोटी पूड़ी पराठे किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों के दिनों में आप अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी इस सब्जी को बनाकर दे सकती हैं, या फिर बच्चों के टिफिन में भी डाल सकती हैं। जिन बच्चों को मूली का स्वाद पसंद होता है उनकी ये उनको ये सब्जी बहुत पसंद आती है। घर में भी ये सब्जी रोटी पराठों के साथ या फिर चावल दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से मूली के पत्तों को ना फेंक कर जब उनकी भुजिया बनाई जाती है दोस्तों, तो सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और देखिए सब्जी की मैंने यहाँ पर प्लेटिंग भी कर रही हूँ मैं। और इस सब्जी में आप थोड़ी सी हरी धनिया डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, इसे स्किप कर दिया है। तो इस तरह से बनी हुई मूली के पत्तों की सब्जी किसे नहीं पसंद आएगी होगी। आई होप आपको रेसिपी तो पसंद आई होगी। तो इस तरह से बढ़िया सी रेसिपी को दीजिएगा एक लाइक, वीडियो पर करिएगा एक बढ़िया सा कमेंट। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।